हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्या कश्यप। आप सभी का हमारे लेके आर्ट्स फाइव चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं एक बड़ी सी रंगोली बनाने। तो पहले देखिए कि यहाँ पर जो हमारा जो शहर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारियों में लगा हुआ है। देखिए सजावट दिख रही है हमारे शहर में। हम जा रहे हैं राम मंदिर, जो कि हमारे बिलासपुर शहर के तिलक नगर पर स्थित है, जो कि 124 साल पुरानी मंदिर है और काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है मंदिर। तो हमने सोचा कि इस बार रामलला के आने की खुशी में हम कुछ बड़ी सी रंगोली बनाते हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और यहाँ पर मुझे जगह मिला हुआ है और इस जगह पर मुझे बनाना है रंगोली। और यहाँ पर भी देख रहे हैं आप कि तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए फिर हम अपनी रंगोली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम दो दिन पहले ही रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत ही बढ़िया भजन हो रहा है यहाँ पर। पर कलश यात्रा जो निकली थी वो वापस आ गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का जो माहौल है, बहुत ही उत्साह यहाँ पर हमें महसूस हो रहा है और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हम जोरों शोरों से वर्क करने में लगे हुए हैं। थक गई है और हम घर जा रहे हैं। तो देखिए ये हर मंदिर हर चौराहे जो है वो सजे हुए हैं और अब हम मिलेंगे कल सुबह। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से। तो आज दूसरा दिन है, कल मैंने सिर्फ ड्रॉ करके छोड़ा था।
रंगोली बना रहे हैं, ये देखो। रात को 12 बजे, नहीं रात को कितने बजे भाई, कितने बजे कुनाल, कितने बजे हैं? कितना बजे? ये देखो 1:30 ये यहाँ पर चाचा जी भी वर्क कर रहे थे, अभी सारा कनक समेट रहे हैं। अभी बना है इतना ही, अब जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो अब हम जा रहे हैं, मुझे बहुत नींद लग रही है। ते हाथ पर खींचते हैं मूवी देखो खाओ। रसगोली कंप्लीट हो गया है और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर हमारे सारे मेंबर्स लोग बैठे भी हैं। इधर पर यहाँ पर सुनार भैया हो, मेहमान चारा जी फोटो ले रहे हैं, मेरी माता श्री, यू ना जनता जनार्दन जो सर, हमारी पब्लिक फ़ोटो खींचने में लगी हुई है। और ये रही हमारी रंगोली। अगर आपको हमारी रंगोली अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में और बनाते हैं कुछ ऐसा ही अच्छा सा रंगोली।